नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आज आपके लिए लेकर आए हैं, आज चर्चा करने वाले हैं फंगस। फंगस में से उन प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। लगभग आपके जो भविष्य में आने वाले प्रश्न हैं उनमें से वही प्रश्न रखे मिलेंगे, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये वीडियो TGT PGT LTGIC एवं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए शूट किया जा रहा है। आप इसको फेसबुक पर भी देखेंगे और इसको यूट्यूब पर भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो, उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आप वीडियो देखने से पहले एक लाइक और अपने कमेंट्स जरूर किया करिए, वीडियो कैसा लग रहा है, क्या उस चेंजमेंट की आवश्यकता है। इसके अलावा एक और आपको हम जानकारी दे दें कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के बाद आपको ढेर सारे फायदे मिलने वाले हैं और अपनी तैयारी को आप 5% से 100% बूस्ट कर सकते हैं। मतलब आप इसको बूस्ट करके टॉप पे ले जा सकते हैं और सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके लिए केवल आपको ओनली आपको 299 की मेम्बरशिप लेनी। मेम्बरशिप इसलिए रखी गई है जिससे ग्रुप में सिर्फ तैयारी करने वाले और मेहनती छात्र ही जुड़ें और उसका वो लाभ ले सकें। इसमें से आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाता है, उस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत आपको ये निश्चित करने का मौका मिलता है कि इतने समय में हम कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, तैयारी कैसी है। दूसरे में आपको नोट्स मिलते हैं जिसमें 628 PDF हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, प्रिंटेड नोट्स हैं और बुक्स हैं, बहुत कुछ है आपके TGT PGT LTGIC और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो बिना देरी किए आप जुड़ें और मैटर का ज़्यादा से ज़्यादा उपभोग करें, पूरा मैटर आपके लिए ही तैयार किया गया है। और तीसरा है डिस्कशन ग्रुप जिसमें लगातार सुबह से शाम तक 24 घंटे डिस्कशन चला करता है, नए नए क्वेश्चन डाले जाते हैं और एक टाइम पर डिस्कशन प्रॉपर होता है। अगर आपको कोई क्वेरी है इस ग्रुप से जुड़ने में या मतलब मेंबरशिप लेने में, तो आप इस टेलीग्राम और व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके क्वेरी कर सकते हैं। गूगल पे नंबर ये है और हमारा जो अकाउंट नंबर है वो नीचे मेंशन है, आप किसी भी माध्यम से पे करके स्क्रीनशॉट लेकर भेज सकते हैं जिसको आपको आपको तुरंत जोड़ा जा सके। तो तुरंत आप जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें, तैयारी को बूस्ट करें। आप खुद देखेंगे कि कैसे लोग जुड़े हैं, कितना लाभ ले रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में क्वेश्चन की बात करते हैं, उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारा जो फंगस से आपके जो सिलेबस में क्या क्या है। तो सिलेबस में सामान्य लक्षण फंगस के, संरचना पोषण प्रजनन कवकों का आर्थिक महत्व वर्गीकरण है, एलेक्सोपोलस और मिम्सा का वर्गीकरण है, इसके अलावा राइजोपस पूरा पढ़ना है, पाइथियम एल्ब्यूगो एस्परजिलस एगेरिकस पक्सिनिया अश्लेगो अल्टरनेरिया और इसके अलावा इनका सबका जीवन चक्र। इतने से आपके क्वेश्चन फंगस के टॉपिक से बनेंगे। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन में आप जैसे कि देख रहे होंगे, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्वाटिक फंगस। यहां वो कह रहा है इनमें से वो कौन है जो जली कवक है। तो अगर हम जली कवक की बात करें तो वो कवक जो जल में अपना जीवन यापन करते हैं या जल में पाए जाते हैं। तो हम आपको बता दें जो मैक्सिमम फंगस होते हैं वो स्थली होते हैं। कैसे होते हैं? स्थली होते हैं। स्थली का मतलब जो भूमि पर रहते हैं, मगर कुछ फंगस ऐसे भी होते हैं जो जली होते हैं। तो उन जली फंगस की बात कर रहा है, तो पहले नंबर पर दिया है पेंसिलियम, दूसरे पर दिया है राइजोपस, तीसरे पर दिया है सेप्रोलाइग्निया, चौथे पर दिया है एस्परजिलस। ये UPPSC प्री, और हम आपको बता दें अगर आप कर रहे हैं तो UPPSC प्री के सारे क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, TGT PGT KVS NBS DSSB सब क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। 50-60% क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आपका TGT का PGT में देगा, PGT का TGT में और PCS का TGT में और KVS का NBS में। तो ये सब इधर उधर क्वेश्चन चुराए जाते हैं और वही क्वेश्चन ट्रेंड में रहते हैं। और जो 50% क्वेश्चन नए बनते हैं वो आप थ्योरी पढ़ सकते हैं, उन्हीं से ही बनेंगे। तो यहाँ सही ऑप्शन होगा हमारा सेप्रोलेग्निया। सेप्रोलेग्निया होता क्या है अभी हम बता दें। सेप्रोलेग्निया से क्वेश्चन बनता है, सेप्रोलेग्निया जो सेप्रोफिटिक फंगस है जो कि जल में पाया जाता है, यानी ये मर्तोपजीवी कवक है जो प्रायः जल में देखने को मिलता है। ये प्रायः मक्खी पर देखने को मिलता है। जब आपने BSc में पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा सेप्रोलेग्निया में इस तरह मक्खी अगर मरी हुई पड़ी जाती तो इस तरह उस पर लग जाते हैं। तो ये सेप्रोलेग्निया है। पेंसिलियम क्या है? पेंसिलियम जो है वो आपके एस्कोमाइसिटीज का सदस्य है और इसे ब्रस आर्ट्स के भी नाम से जानते हैं। राइजोपस क्या है? राइजोपस क्या है? एक सेप्रोफिटिक फंगस है, इसके बारे में जानकारी देंगे। एस्परजिलस क्या है? पेंसिलियम एस्परजिलस एक ही
तरह के फंगस हैं दोनों। पेंसिलियम से क्या निकाला जाता है, तो एंटीबायोटिक निकाली जाती है। किस पेंसिलियम से, तो पेंसिलियम नोटेटम से। कौन सी, पेंसिलिन नाम का इंजेक्शन या दवा बनाई जाती है जो कि एंटीबायोटिक होती है। तो ऑप्शन इसका क्या सही करेंगे, तो इसका ऑप्शन हम सही कर क्या कर लेंगे, तो सी सही करेंगे। कौन सा सही करेंगे, सी, सेप्रोलेग्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, नया क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है नेम ऑफ द फंगस दैट इज एडिबल। वो फंगस कौन सा है जो खाया जाता, उस कवक का नाम जो कि खाया जाता। यूपीपीएससी प्री और टीजीटी बायोलॉजी 1999 में पूछा गया है। देखिए यहाँ 94 में बना है और 3-4 साल बाद यहाँ से क्वेश्चन चुरा लिया गया, या मतलब वहाँ से एग्जामिनर ने क्वेश्चन को लिया। तो अब यहाँ खाने योग्य फंगस क्या है, तो देखिए फंगस हाई न्यूट्रिएंट वैल्यू होने के कारण, ज़्यादा पोषक वैल्यू होने के कारण इनको हम किस रूप में यूज़ करते हैं, तो इनको प्रायः भोजन में, सब्जी बनाने आदि में काम करते हैं। तो कौन सा है, तो वो है प्रायः मॉर्चेला। क्या बोलते हैं, मॉर्चेला। मॉर्चेला को प्रायः गुच्छी के भी नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, गुच्छी के भी नाम से जानते हैं मॉर्चेला को। और मॉर्चेला होता कैसा है, तो आपने जब बीएससी में पढ़ा होगा तो इस तरीके से आपने देखा होगा ये मॉर्चेला को। नेक्स्ट इसमें पेंसिलियम, पेंसिलियम क्या है, तो इसको माइसिटीज का सदस्य, और इसमें कोनिडिया बनते हैं एसेक्सुअल स्पोर में, और ये ब्रश की तरह दिखाई देता है। म्यूकर क्या है, देखिए इस समय जो ब्लैक फंगस है वो म्यूकर की ही जाति है, जो ब्लैक फंगस की तरह आतंक मचाए हुए है, तो वो म्यूकर की जाति है। और ये जो म्यूकर होता है प्रायः सैप्रोफिटिक होता है, परंतु कुछ जातियाँ पैरासाइट की तरह काम करती हैं। म्यूकर और राइजोपस लगभग समान इनका वैल्यू है, तो इसका ऑप्शन हम डी लगाएंगे, मॉर्चेला। क्या लगाएंगे, मॉर्चेला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइट्रोसियस फंगस, इनमें से हाइट्रोसियस या भिन्नाश्रयी कवक कौन सा है। ये यल्टी ग्रेड बायोलॉजी जीआईसी का जो एग्जाम हुआ था, जीआईसी 2012 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है 2012 में, कि निम्नलिखित में से कौन सा कवक हाइट्रोसियस है। हाइट्रोसियस कवक क्या होता है, वो कवक जो अपना जीवन चक्र दो में पूरा करते हैं, यानी दो जीवों में पूरा करते हैं। तो इसमें से पक्सिनिया ग्रैमनिस है, दो जो दो जीवों में पूरा करती है, किसमें, वीट और बारबेरिस के पौधे पर। ध्यान रखिएगा यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि माइक्रोसाइक्लिक फंगस कौन सा, जिसका जीवन चक्र सबसे बड़ा हो, उसको हम माइक्रोसाइक्लिक कवक के नाम से जानते हैं। तो पक्सिनिया ग्रैमनिस में 5 प्रकार के स्पोर पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं, यूरेडो स्पोर पाया जाता है, फिर टेलीटो स्पोर आता है, फिर क्या आता है, बेसिडियो स्पोर आता है, फिर आता है पिकनीडियो स्पोर, फिर आता है एसिडियो स्पोर। इनमें से यूरेडो स्पोर, टेलीटो स्पोर गेहूं पर पाए जाते हैं यानी वीट पर पाए जाते हैं, और पिकनीडियो और एसिडियो स्पोर बारबेरिस के पौधे पर पाए जाते हैं, और जो बेसिडियो स्पोर है वो ये पाया है मिट्टी में ही पाया जाता है, जहां इससे स्पोर बनते हैं। अच्छा, अब बात आती है इन चारों की, तो आस्टलेगो क्या है, तो आस्टलेगो इस्मट रोग उत्पन्न करता है। कौन सा रोग उत्पन्न करता है, इस्मट रोग उत्पन्न करता है। एल्ब्यूगो क्या है, तो ये व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर उत्पन्न करता है, इसका दूसरा नाम सिस्टोपस होता है। इससे क्वेश्चन बने हैं एल्ब्यूगो से, आस्टलेगो से कॉमन क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में उठाए जाते हैं। आपको सिलेबस दिखा दिया है, आप ये ना कहें कि सर मेरे सिलेबस में नहीं है, और हम आपसे पहले बता रहे हैं कि आप बिल्कुल सिलेबस की कुड़ में कुड़ मत हाकिएगा। कुड़ में कुड़ का मतलब है कि जिसने जहां मतलब चला बिल्कुल वहीं, मच्छी का स्थान है मच्छी का नहीं। आप लेफ्ट और राइट भी पढ़ेंगे, क्वेश्चन घुमाकर भी पूछा जाता है, आप तभी आंसर कर पाएंगे जब आपको उसकी प्रॉपर जानकारी हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फंगस विदाउट माइसिलियम, ऐसा फंगस कौन सा है जिसमें माइसिलियम नहीं पाया जाता है। तो देखिए फंगस की जब संरचना की बात करते हैं, तो कवक जो होता है वो क्या होता है, फंगस थैलोइड होते हैं। कैसे होते हैं, थैलोइड। थैलोइड का मतलब होता है जिसमें लीफ स्टेम रूट ना पाए जाए, तो ये धागों के नुमा प्रायः देखने को मिलते हैं। इन धागों को हाइफी बोलते हैं, जब ये हाइफी आपस में उलझ जाते हैं तब इनको माइसिलियम के नाम से जानते हैं। तो कहता है वो कौन से कवक हैं जिनमें माइसिलियम नहीं पाया जाता है, यानी धागों संरचना नहीं पाई जाती। तो पक्सिनिया में बिल्कुल पाई जाती है, और म्यूकर में बिल्कुल पाई जाती है, राइजोपस में पाई जाती। अब आया साइक्रोमाइसिस। साइक्रोमाइसिस क्या होता है, जिसको हम ईस्ट के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, ईस्ट। तो आज का जो इसका आंसर सही होगा तो वो ईस्ट होगा। क्या होगा, ईस्ट साइक्रोमाइसिस। चूंकि ईस्ट क्या, यूनिसेलुलर होता है, प्रायः एक कोशिकीय होता है, और ये
कैसा होता है, इस तरीके से गोल होता है, तो इसमें क्या पाया जाता है, माइसीलियम नहीं पाया जाता है। एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है, स्यूडो माइसीलियम किसमें देखने को मिलता है, स्यूडो माइसीलियम किसमें देखने को मिलता है, स्यूडो माइसीलियम अगर देखने को मिलता है तो डी सैक्रोमाइसिस में। स्यूडो मींस होता है झूठ मूठ का माइसीलियम, क्योंकि ये जो सेल्स होती हैं आपस में जुड़ जाती हैं, ऐसा प्रतीत होता है जैसे माइसीलियम हो, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से दो क्वेश्चन उठाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन क्या कह रहा है। नया क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सैप्रोफिटिक एंजियोस्पर्म, इनमें से सैप्रोफिटिक एंजियोस्पर्म कौन सा है, मृतोपजीवी एंजियोस्पर्म। तो ये क्वेश्चन बाहर से आकर पहुंच गया है, ये एंजियोस्पर्म का है, मगर आप चूंकि यहाँ आ गया है तो बताएंगे, चूंकि ये ELT ग्रेड बायोलॉजी GIC का जो एग्ज़ाम हुआ था 2012 में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सैप्रोफिटिक एंजियोस्पर्म, तो वो कौन सा है, तो मोनोट्रोपा जो है, मोनोट्रोपा एक ऐसा एंजियोस्पर्म है या आवृत बीजी पौधा है जो कि कैसा होता है, सैप्रोफिटिक होता है, मृतोपजीवी होता है। बकाया म्यूकर जो है ये फंगस है, कस्कुटा जो है ये एंजियोस्पर्म है, मगर ये पैरासाइट है, कैसा है, पैरासाइट, टोटल स्टेम पैरासाइट है। यूट्रिकुलेरिया क्या है, ये एक कीट बच्छी पौधा है, क्या है, कीट बच्छी पौधा है। तो इसका ऑप्शन हम क्या लगाएंगे, सी मोनोट्रोपा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, और ये क्वेश्चन बना भी है, और कब बना है, ये बना है 2012 में। देखिए 2012 में आप देखेंगे तो 5 से 6 क्वेश्चन GIC में फंगस चैप्टर से उठाए गए, आपके सामने पेपर रहेगा, पेपर है पूर्व परीक्षाओं के, चूंकि क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किए हैं, मैटर वहां से उठाया है पूर्व परीक्षाओं के पेपर से, तो आप देखेंगे 5 से 6 क्वेश्चन आपको यहाँ हूबहू दिखाई दे रहे हैं। तो आप देख लीजिएगा कि आपको हर टॉपिक पढ़ना है, किसी से 5 क्वेश्चन पूछते तो किसी से 4, अगर जो टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, 2-3 टॉपिक मान लो आपने छोड़ दिए, 12-14 क्वेश्चन गलत हो गए, तो आप क्या होंगे, फाइट से अलग हो जाएंगे, दूसरा आपके आगे निकल जाएगा, आप वहाँ फाइट से अलग हो जाएंगे। तो तैयारी आपको खुद पता चलेगी कैसी करनी है। रेड रॉट ऑफ शुगर केन इज कॉज्ड बाय, रेड रॉट ऑफ शुगर केन इज कॉज्ड बाय, गन्ने के रेड रॉट बीमारी किससे होती है, तो बताइएगा गन्ने की जो रेड रॉट शुगर केन होता है, रेड रॉट तो आपने देखा होगा, जो गन्ना होता है, मान लेते हैं गन्ना है, और गन्ने को जो ये पोर होती है, मतलब ये नोड होती है, ये गन्ना इस तरह से होता है, ये मान लेते हैं गन्ना है, तो जब आप गन्ना को छीलते हैं तो अंदर क्या होता है, अंदर आपको इस तरह से लंबी लंबी लाइनें गन्ने के अंदर दिखाई देती, ये ऐसी, तो इस बीमारी को हम रेड रॉट के नाम से बोलते हैं, किसके नाम से बोलते हैं, रेड रॉट, रॉट के नाम से बोलते हैं। तो कहता है गन्ने का रेड रॉट जो बीमारी होती है वो प्रायः किसके कारण होती है, तो आपको हम आपको बता दें यहाँ जो सही आंसर होगा, पहले सही आंसर हम बता देते हैं आपको, वो होगा कोलेटोट्राइकम फैल्केटम। कोलेटोट्राइकम फैल्केटम से एक GDC गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में क्वेश्चन बना था, एशरवलस ऐसे करके क्वेश्चन बना था, किसमें पाया जाता है, तो कोलेट्राइकम फैल्केटम सही था, जो अभी एग्जाम हो गया है, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन वहाँ भी पूछा गया है, और तो यहाँ ऑप्शन हम लगाएंगे सही। और ये है किसका सदस्य, ड्यूटेरोमाइसिटीज का सदस्य है। ड्यूटेरोमाइसिटीज की खास बात क्या होती है कि उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन का अभाव होता है। ये क्वेश्चन TGT PGT में बनता है कि वो कौन सा फंगस का ग्रुप है जिसमें लैंगिक जनन का पूर्ण रूप से अभाव होता है, तो ड्यूटेरोमाइसिटीज। अब आता है ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा, तो ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा जो होती है, यानी ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा, वो स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमनिकोला द्वारा होता है। और प्लाज्मोपोरा विटिकोला, देखिए इसने केवल प्लाज्मोपोरा दिया, विटिकोला अलग से दिया हुआ है, और इसके फ्यूजेरियम से प्रायः विल्ट रोग देखने को मिलता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, नया क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नया क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हाइट्रोसियस फंगस, ये आपको हम आपको बता गए हैं कि इनमें से कौन सा हाइट्रोसियस फंगस है, तो अभी हम इसका चर्चा हो चुके हैं, तो पक्सीनिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जाइमेज इंजाइम सिक्रीटेड बाय, अब देखिए जो सीरप आते हैं, जब आपका पेट खराब होता है या पेट में दिक्कत होती है, पाचन संबंधी समस्याएं होती हैं, तो आपको डॉक्टर इंजाइम का सीरप लिखता है, तो
आप लेके आते हैं और कई नाम से कई ब्रांड से आते हैं नाम से, तो वो कह रहा है जाइमेज इंजाइम सिक्रीटेड बाय किससे निकाला जाता है, तो वो प्रायः ईस्ट से निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है? ईस्ट से, ध्यान रखिएगा। तो इसका ऑप्शन हम क्या सही करेंगे? डी, तो ईस्ट से निकाला जाता है। बकाया इनके बारे में भी जान लेते हैं। राइजोपस कैसा है? ये एक सैप्रोफिटिक फंगस है। कैसा है? सैप्रोफिटिक, जो कि आपको ब्रेड पे दिखाई देता है। किस पे दिखाई देता है? ब्रेड पे दिखाई देता है, अचार मुरब्बा आदि पे दिखाई देता है। जब आप कहते हैं इसमें फफूंदी लग गई है, प्राय राइजोपस और म्यूकर ही दिखाई देते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया है जो रूट नेड्यूल बनाता है। इसके इससे पहले हमने बैक्टीरिया के क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, आप वहाँ देखिएगा, वहाँ हमने लंबी चर्चा की है। पेंसिलियम क्या है? पेंसिलियम फंगस है जिससे, और इस पेंसिलियम नोटेटम से प्रायः पेंसिलिन नामक दवा प्राप्त की जाती, एंटीबायोटिक। ये भी जीआईसी बायोलॉजी 2012 में पूछा गया। तो आप देख लीजिएगा कि 2012 जीआईसी में कितने क्वेश्चन बने हैं। आपके सामने तथ्य हैं, पूर्व परीक्षाओं के क्वेश्चंस हैं। आप अपनी तैयारी को देखिएगा कि आप कितने गहरे पानी में क्या पढ़ रहे हैं। ऐसा तो नहीं हवा में तीर चला रहे हैं और खुश हो रहे हैं आके मैं बिल्कुल ज्वाइनिंग ले लूँगा। इसीलिए मैं कहता हूँ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से तुरंत जुड़िए। मैं चाहता हूँ कि वहाँ एक ऐसा ग्रुप मैं तैयार कर दूँ कि वो जो फाइट में ग्रुप रहे और जिसको लगे कि हाँ मैं फाइट कर सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसको हम पहले देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। व्हेन टू होस्ट ऑफ प्लांट आर रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीटेशन ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ ए फंगस दैट कंडीशन इज कॉल्ड, जब एक कवक का अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए दो पोषक जातियों की आवश्यकता पड़ती है, तो उसे क्या कहते हैं? अब इसके चारों ऑप्शन ले लेते हैं। तो देखिए ये जीआईसी 2015 में पूछा गया है। कब पूछा गया है? जीआईसी 2015 में ये क्वेश्चन बना है। तो ऐसे जीवन फंगस जो दो पौधों में अपना जीवन चक्र कंप्लीट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? तो उन्हें हम हेट्रोसियस के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? हेट्रोसियस के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन इसका हम क्या सही करेंगे? तो इसका ऑप्शन ए सही करेंगे। और हेट्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है? ऐसे कोशिका जिसमें दो अलग अलग प्रकार के केंद्रक पाए जाएं, एक केंद्रक मान लो पॉजिटिव प्रकृति का, एक नेगेटिव, तो इसे हेट्रोकैरियोटिक बोलेंगे। ऑटोसियस क्या होता है? ऑटोसियस में ये प्रायः ऑटोसियस जहाँ तक मुझे याद आ रहा है इसको हम फ्यूनेरिया में देखते हैं जिसमें अलग अलग ब्रांच पे मेल और फीमेल लगते हैं। ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है? वो जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उनको हम ऑटोट्रॉफिक या स्वपोषी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ चूंकि सबका हमने आपको ऑप्शन बता दिया है इसलिए ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अल्टरनेरिया सोलनाई काजेज, अल्टरनेरिया सोलनाई के द्वारा कौन सा रोग होता है? तो अल्टरनेरिया सोलनाई के द्वारा कौन सा रोग होता है? तो DSSB यानी अभी देखिए आपकी जो वैकेंसियां आ चुकी हैं, हमने ग्रुप पे मैसेज छोड़ दिया है और आपका पूरा विज्ञापन भी दिया था कि ELT बायोलॉजी का जो TGT बायोलॉजी है आपका दिल्ली से लगभग 8000 के लगभग वैकेंसी आई हैं और बायोलॉजी में लगभग 500-600 वैकेंसियों के लगभग में भी हैं। आप चेक कर लीजिएगा विज्ञापन, टेलीग्राम पे हमने डाला था कि खुशखबरी आ गई और पूरा विज्ञापन भी आपको उपलब्ध कराया था, तो डिस्कशन ग्रुप में पढ़ा हुआ है ये, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। तो अल्टरनेरिया सोलनाई से क्या होता है? तो इससे होता है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ध्यान रखिएगा क्या होता है? अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। इसमें क्या होता है? जो पत्तियाँ होती हैं और इसको पहचानते कैसे हैं? तो ये क्या होता है कि जैसे टारगेट बोल्ट होता है इस तरह के छल्ले बनाता है। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो किससे होता है? तो फाइटोप्थोरा किससे होता है? इन्फेस्टेंस होता है। वर्ड डिजीज ऑफ पोटैटो किससे होता है? तो ये होता है किससे होता है? वर डिजीज ऑफ पोटैटो किससे होता है? तो सिनकाइट्रियम इंडोबाइटकम से होता है। तो ऑप्शन इसका सी सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वाइन ईस्ट है, इनमें से वाइन ईस्ट कौन सा है जो शराब बनाने में प्रायः प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ये है साइक्रोमाइसिस सेरेबेसी जो है इसको वाइन ईस्ट के नाम से जानते हैं। देख लीजिएगा ये DSSB PGT बायोलॉजी 2015 में क्वेश्चन बना है, तो कितना आपके लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लाइम मोल्ड्स रिजेंबल। स्लाइम मोल्ड्स क्या होता है? तो फंगस में एक मिक्सोमाइसिटीज करके ग्रुप बनाया गया, ध्यान रखिएगा मिक्सोमाइसिटीज करके ग्रुप बनाया गया है। किसमें? कवक में। कवक को प्रायः जो हम पढ़ते हैं BSc में वो फाइकोमाइसिटीज पढ़ लेते हैं और फाइकोमाइसिटीज
एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस, ड्यूटेरो चार पढ़ते हैं, मगर जब एमएससी में आते हैं तो फाइसेरम एक पढ़ते हैं, आपका सिलेबस में है फाइसेरम। तो फाइसेरम किसका होता है? मिक्सोमाइसिटिस का। ये कैसा है? तो ये एनिमल और फंगस दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, क्योंकि इस पर सेल वॉल का अभाव होता है, इसीलिए ये बी के सही है। और देखिए डीएसबी पीजीटी बायोलॉजी 2015 में क्वेश्चन रखा है, जो आपने शायद ना पढ़ा हो, तो आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन क्या कह रहा है? नया क्वेश्चन कह रहा है फंजाई यूज्ड इन मैच्यूरेशन ऑफ क्लास इज, पनीर के परिपक्वन में, सॉरी फिर से पढ़ेंगे क्वेश्चन थोड़ा सा, फंजाई यूज्ड इन मैच्यूरेशन ऑफ चीज लिखा है, चीज इज, चीज मतलब पनीर, पनीर के जो मैच्यूरेशन में या पनीर को बनाने में कौन सा स्वादिष्ट या फ्लेवर बदलने में कौन सा फंगस यूज करते हैं? तो वो प्रायः पेंसिलिन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? पेंसिलियम का प्रयोग करते हैं। तो वीडियो दोस्तों कैसा लगा हमें कमेंट्स जरूर करिएगा। ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ये राजस्थान का जो पीजीटी बायोलॉजी 2015 है उसमें क्वेश्चन उठ चुका है, पूछा गया है, तो इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। आज के लिए इतना ही, और आपसे रिक्वेस्ट है आप जरूर का जरूर आप हमारे टेलीग्राम के मेंबरशिप लीजिए और अपनी तैयारी को बनाइए। हम चाहते हैं कि एक ऐसा ग्रुप तैयार हो जहाँ सिर्फ पढ़ने की बातें हों और आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो। इसी के साथ नमस्कार।